नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी गई जंग के महानायकों को जब भी याद किया जाता है तो उनमें सुभाष बाबू का नाम जरूर आता है। देश ने अभी हाल ही में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। आज 18 अगस्त है, 18 अगस्त यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि। दर्ज इतिहास के मुताबिक तो नेताजी का विमान आज ही के दिन 1945 में क्रैश हो गया था, लेकिन उस प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। उनकी मौत को लेकर जब भी चर्चा होती है तो कहा जाता है कि कई ऐसे राज हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाए। केंद्र सरकार ने भी एक वेबसाइट बनाई जिसके जरिए नेताजी की जिंदगी और मौत से जुड़े कई सीक्रेट्स को सामने लाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले जनवरी 2016 में 100 फाइलें इस वेबसाइट पर जारी की गई थी जिसमें कई तरह की जानकारी सामने आई थी। जब डॉक्यूमेंट सामने आए तब उस दौरान छापी गई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंक्वायरी कमेटी ने 11 सितंबर 1956 को एक रिपोर्ट पेश की थी। यही वो रिपोर्ट है जिसमें प्लेन क्रैश की बात कही गई है और बताया गया है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। नेताजी की रहस्यमय मौत तो एक सवाल है ही, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। 2017 में नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस भी ये बात कह चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब आप सोचेंगे कि हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया है कि जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये आधा सच है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इतिहास में कैसे पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का कद बड़ा दिखाने के लिए नेताजी की भूमिका को भुला दिया गया। असल में नेताजी के पहले प्रधानमंत्री होने से जुड़ा यह सवाल इसलिए उठाया जाता है क्योंकि आजाद हिंद सरकार नाम से देश की पहली सरकार उन्होंने ही बनाई थी। हाँ, वो एक निर्वासित सरकार जरूर थी, लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं हो जाता। भारत की पहली आजाद सरकार की स्थापना और उसकी घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को की थी। इस घोषणा के तुरंत बाद ही 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार दूसरे विश्व युद्ध के मैदान में कूद पड़ी थी। आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। इस सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर नेताजी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारतीय तिरंगा झंडा भी लहराया था। उस वक्त 9 देशों की सरकारों ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता भी दी थी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री थे। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.सी. चटर्जी आजाद हिंद सरकार के वित्त मंत्री थे, वहीं एस.ए. अय्यर आजाद हिंद सरकार के प्रचार मंत्री बनाए गए थे। रास बिहारी बोस को आजाद हिंद सरकार का सलाहकार बनाया गया था। इस सरकार का अपना खुद का रिजर्व बैंक भी था जिसकी छापी गई करेंसी पर नेताजी की तस्वीर हुआ करती थी। यानी कि पूरा सच ये है कि नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको ये दिलचस्प जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।